हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अजीम फार्मा पे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि दोस्तों सबसे सस्ता और सबसे अच्छा है। दोस्तों इस हेल्थ सप्लीमेंट का नाम है A to Z सिरप। दोस्तों इस सिरप को अल्केम कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है और दोस्तों इस सिरप का इस्तेमाल जब शरीर में न्यूट्रिशन यानी कि जब शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, शरीर में थकान और कमजोरी रहती है, शरीर में खून की कमी रहती है और आपको भूख नहीं लगती है, दोस्तों उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इस सिरप के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी, इसके फायदे और नुकसान के बारे में, इसके कंपोजिशन के बारे में, इस सिरप को कब और कैसे और किन किन समस्याओं में इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं, इसकी प्राइस के बारे में कंप्लीट जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। दोस्तों इस सिरप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई शामिल रहते हैं। दोस्तों इसके अलावा जिंक, फोलिक एसिड, सेलेनियम, मिथाइल कोबालामिन भी पाए जाते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। दोस्तों 200 ml सिरप की बोतल आपको फार्मेसी पे 190 रुपए तक आपको आसानी से मिल जाती है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे की ओर और बात करते हैं इस सिरप के पीने के फायदे के बारे में। दोस्तों जो A to Z सिरप होती है, यह इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में काफी ज्यादा मददगार होती है। इसके साथ साथ मेटाबॉलिक फंक्शन को इन्हांस करती है यानी इसको बढ़ावा देने में काफी ज्यादा मददगार होती है। इसके साथ साथ अगर आपके शरीर में खून की कमी है, आपको भूख नहीं लगती है, आपका वजन नहीं बढ़ता है, आपका खाया पिया आपके शरीर में नहीं लगता है, दोस्तों उस कंडीशन में A to Z जो सिरप होती है आपके शरीर में खून की पूर्ति करेगी, आपके भूख को बढ़ाएगी, आपके वजन को बढ़ाएगी, आपका खाया पिया आपके शरीर में लगाएगी। इसके साथ साथ ब्लड सेल, ब्रेन और नर्व के फंक्शन को मजबूत करने में काफी ज्यादा मददगार होगी। दोस्तों ये तो रहे इसके यूज। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में यानी इसके खुराक के बारे में। दोस्तों A to Z सिरप का इस्तेमाल अडल्ट में 10 से 15 ml दिन में एक बार खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में यानी इससे होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में। दोस्तों इसके ओवरडोज से आपको कब्ज हो सकती है, आपको दस्त हो सकते हैं, आपका पेट खराब हो सकता है, आपके पेट में दर्द भी हो सकता है। दोस्तों अगर इसमें से या फिर इसके अलावा कोई भी साइड इफेक्ट दिख रहे हैं, फर्दर सिरप का इस्तेमाल ना करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हमारे वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।